गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। पढ़ा लिखा आनंद पाल रावणा राजपूत था और टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग मिली थी। फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया। बताया जाता है कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला स्टाइलिश आनंद पाल लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजड़े में बंद कर उन्हें यातनाएं देता था। 24 जून 2017 की रात स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया था। एनकाउंटर के बाद राजस्थान में जमकर बवाल हुआ था। बाद में एनकाउंटर को लेकर मतभेद भी उभरे। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश गैंगस्टर आनंद पाल। आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सांवरात का रहने वाला था। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 से ज़्यादा मामलों में वांछित आरोपी था। राजपूत समुदाय के लोग उसे अपने मसीहा की तरह मानते थे। उसके गैंग में 100 से भी ज़्यादा बदमाश शामिल थे। आनंद पाल बेहद खूंखार था। आनंद पाल को पकड़ने के लिए शहर के शहर किले में तब्दील कर दिए जाते थे। उसके हथियारों का सामना करने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस बार बार उसे पकड़कर जेल में डालती और हर बार जेल की सलाखें उसके लिए नरम पड़ जाती और वो फरार हो जाता। आनंद पाल पढ़ा लिखा था और उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन वो शिक्षक बनने की बजाय जुर्म की दुनिया में चला गया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी। आनंद पाल लीकर किंग बनना चाहता था। उसी सनक में उसने डिडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि जीवन राम ही वो दोस्त था जिसने आनंद पाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। आनंद पाल राजनीति में आना चाहता था और उसने 2 बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया था। पूर्व मंत्री हरजीरा बुरड़क के बेटे से सिर्फ 2 वोटों से पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वो अपराध की दुनिया में आ गया। इसके बाद वो एक के बाद एक जुर्म करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आनंद पाल के गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। वर्ष 2015 में आनंद पाल पुलिस को नशीली मिठाई खिलाकर फरार हो गया था और उसके बाद उसने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर दिया था। इसके बाद राजस्थान पुलिस लगातार आनंद पाल को ढूंढ रही थी और 24 जून को उन्हें पता चला कि चूरू जिले के मौलासर गांव में आनंद पाल छुपा बैठा है। 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आनंद पाल का खौफ इतना था कि उसके शव को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। आनंद पाल का आपराधिक सफर। आनंद पाल अपराध की दुनिया में बलवीर गैंग की वजह से आया। 1997 में बलवीर बानुड़ा और राजू ठेहट दोस्त हुआ करते थे। दोनों शराब के धंधे से जुड़े हुए थे। 2005 में हुई एक हत्या ने दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी थी। ठेके के सेल्समैन विजय पाल की राजू ठेहट से कहा सुनी हुई। विवाद इतना बढ़ा कि राजू ने विजयपाल की हत्या कर दी थी। विजयपाल रिश्ते में बलबीर का साला था। विजय की हत्या से दोनों दोस्तों में दुश्मनी शुरू हो गई। बलबीर ने राजू के गैंग से निकलकर अपना गृह बना लिया। कुछ समय बाद बलबीर की गैंग में आनंद पाल शामिल हुआ। दोनों के आतंक ने क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। 2011 तक खुद गोदारा मर्डर, फोगावट हत्याकांड से कुख्यात हुआ। आनंद पाल 2006 से अपराध जगत में शामिल हुआ था। गोदारा की हत्या के अलावा डिडवाना में ही 13 मामले दर्ज। 8 मामलों में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ था। सीकर के गोपाल फोगावट की हत्या को भी अंजाम दिया था। 29 जून 2011 को सुजानगढ़ में
तीन लोगों को गोली मारी। 2015 तक आनंद पाल खुद क्राइम करते सामने नहीं आया। इस डॉन ने राजस्थान में अपराध के तरीके बदल दिए थे। 20 युवकों की गैंग को 200 युवकों की गैंग में तब्दील किया। 200 युवक अपने अपने क्षेत्र के दादा कहलाते थे, यानी इन 200 गुर्गों की भी खुद की अपनी गैंग अलग से थी। सबके सब आनंद पाल के भक्त बन गए थे। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ नए तरह के अपराधों का। इस दौरान जयपुर नागौर का मेगा हाईवे बनने लगा। पीड़वाना कुशमान तक जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। आनंद पाल ने बंदूकों की दम पर सैकड़ों बीघा जमीन कब्जाई। आनंद पाल ने एक एक कर व्यापारियों उद्योगपतियों को निशाना बनाया। इस गैंग ने जातीयता का रंग भी दिया, राजपूत जाटों की लड़ाई का रूप दिया। नागौर में गैंगवार के दो गुट बन गए। आनंद पाल जेल से गुर्गों की मदद से चला रहा था गैंग। जेल में उसकी महिला सहयोगी अनुराधा भी मिलने आती थी। ये सब तो न्यायपालिका तय करेगी आगे। इट वॉज जस्ट रिवेंज एंड आई कैन कम्प्लीट माई रिवेंज एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर मैन स्टीम। आई एम फीलिंग वेल नाउ। माई फादर हैज पास्ड अवे। माई फादर वॉज वेरी जीनियस एंड वेरी लिबरल पर्सन। घर में आके पापा की कमी तो महसूस हो ही रही है। इतनी भीड़, अगर पापा इतने लोगों को एक साथ देखते जो कि मेरे भाई हैं सारे, तो पापा बहुत ज़्यादा खुश होते। इससे जो आने वाली जिंदगी में जब न्यायपालिका के तो अपना काम करेगा, आप क्या चाहेंगे, आपकी क्या इच्छा है कि आगे की जिंदगी आपकी? मैं ये चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम में कदम बढ़ाऊँ बढ़िया से और अच्छे रास्ते की ओर चलूँ। हाँ सर, न्यायालय ने बढ़िया फैसला दिया है क्योंकि मैं इसमें था नहीं और सच में ये न्याय हुआ है मेरे साथ। बाकी के जो आप आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सत्यता है और क्या आप क्या मानते हैं? निराधार है और न्यायालय, मेरे को उम्मीद है कि न्यायालय मेरे को इनमें सब में बरी करेगा। तो गैंगवार की जो घटनाएं चल रही है, उन घटनाओं में हर बार आपको गैंगवार में शामिल किया जाता है, ये राजनीतिक साजिश से ही शुरुआत है, इसी पे खत्म होगी, ये चलता रहेगा मेरे को लग रहा है। यहाँ पे जो जानलेवा भी हमला हो चुका है बीकानेर में भी हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ। क्या पूरा मामला क्या है, इतना बड़ा लंबा कैसे किस्सा जा रहा है? ये कुछ चंद राजनीतिक फायदे के लिए, चंद लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मेरे को मरवा के और ये चाहते हैं कि राजनीतिक जमीन को पक्का कर लिया जाए। क्योंकि आपकी जान को खतरा है, आप कितना खतरा मानते हैं और क्या चाहते हैं? उनको ऐसा लगता है तो जितनी सुविधाएं मिल सकती है कोर्ट से वो कोशिश कर रहे हैं। और यहां वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इनकाउंटर की सच्चाई क्या है। खबरों का सारथी। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा, लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा, फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ, पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है।
आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आनंद पाल स्टाइल से जीने का शौकीन था। वो सिर पर हेड लगाता था, लेदर की जैकेट पहनता था और आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाता था। जब भी सुनवाई के लिए उसे कोर्ट ले जाया जाता था तो वो हीरो स्टाइल में मीडिया में फोटो खिंचवाता था। उसका अपना फेसबुक पेज था और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद से इसका आतंक और भी बढ़ गया। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला यह अपराधी राजस्थान सरकार की साख पर बट्टा लगा रहा था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी इसी ने अंजाम दिया और कोर्ट ने 8 मामलों में इसे भगोड़ा साबित किया था। राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी आनंद पाल की मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा था। उसके पैतृक जिले नागौर में सरकार का विरोध होना शुरू हो गया था। आनंद पाल के परिवार ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए थे। परिवार का आरोप था कि आनंद पाल ने सरेंडर की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर आईपीएस दिनेश एमएन के नेतृत्व में किया गया था। आनंद पाल का शव लगातार 3 हफ्ते तक डीप फ्रीजर में रखा गया था। सरकार के नुमाइंदों ने परिवार और राजपूत समाज के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो लोग और ना ही आनंद पाल के परिजन मानने को तैयार हो रहे थे। वो सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 12 जुलाई को 2,00,000 लोग आनंद पाल के एनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में जमा हुए, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। इसके बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जी जान लगा दी। राजनीतिक साजिश थी और न्यायपालिका पर विश्वास था और इसी का परिणाम है कि आज मैं बरी। विश्वास तो पहले से ही था कि ये सारे आरोप हैं और एक दिन ऐसा होना था और न्यायपालिका से पूरी उम्मीद थी और उम्मीद से खत्म। राजस्थान के सबसे बड़े डॉन और प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम बन चुका गैंगस्टर आनंद पाल सिंह जवान होते होते क्राइम की दुनिया का बड़ा नाम बन गया था। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खून की होली खेलना आनंद पाल का शौक रहा था। खतरनाक हथियारों के दम पर आनंद पाल प्रदेश के अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था। लूट, डकैती और हत्या सहित 2 दर्जन से भी ज्यादा मामले उस पर दर्ज थे। कहते हैं कि जुर्म की काली दुनिया में लेडी डॉन की भूमिका भी अहम रही है। इन्हीं में से एक थी अनुराधा, जिसके संबंध आनंद पाल से भी थे। इस लेडी डॉन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में कुख्यात काला जठेड़ी भी रहा था। राजस्थान में अनुराधा के खिलाफ फिरौती, अपहरण, हत्या की साजिश जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस को कई मामलों में अनुराधा की तलाश थी। राजस्थान पुलिस ने अनुराधा पर 10,000 रुपए इनाम भी घोषित किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनामी बदमाश काला जठेड़ी को घर दबोचा था। काला जठेड़ी के साथ अनुराधा उर्फ मैडम मिंज भी थी। अनुराधा एनकाउंटर में मारे गए आनंद पाल सिंह की साथी रही थी। राजस्थान में अनुराधा के खिलाफ फिरौती, अपहरण, हत्या की साजिश जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस को कई मामलों में अनुराधा की तलाश थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के दौरान अनुराधा फरार हो गई थी। फरारी के दौरान अनुराधा की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। लॉरेंस बिश्नोई की मदद से अनुराधा काला जठेड़ी से मिली।
काला जठेड़ी और अनुराधा काफी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहे थे। अनुराधा के सहयोग से काला जठेड़ी राजस्थान में जबरन उगाही और हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम देता था। काला जठेड़ी साल 2020 में फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त से फरार होने के बाद एक बार नेपाल गया था। इसके अलावा वो किसी और देश में नहीं गया। फरारी के दौरान वो विदेश नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र के मुंबई, राजस्थान और एमपी में छिपा रहा था। और यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उपजा बवाल कहां तक गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहाँ इंडिया करे सेलिब्रेशन वहाँ होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां एक ओर आनंद पाल को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था तो वहीं दूसरी ओर उसकी छवि जो कि राजपूतों में रॉबिन हुड की थी उसने पुलिस और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। आनंद पाल के इनकाउंटर की खबर पूरे राजस्थान में जंगल की आग की तरह फैल गई। उसके गृह जनपद नागौर के साथ ही पूरा राजस्थान सुलग उठा था। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने वसुंधरा सरकार के माथे पर बल ला दिया था। वसुंधरा राजे ने आनंद पाल के शव का दाह संस्कार कराने का प्रयास स्थानीय पुलिस के माध्यम से कराना चाहा, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि आनंद पाल के शव को हाथ तक लगा सके और इस तरह पूरे 21 दिनों तक आनंद पाल का शव डीप फ्रीजर में रखा रहा और पूरा राजस्थान जलता रहा। 21 दिनों के बाद सरकार ने आनंद पाल के परिजनों को बातचीत के बहाने बुलाया और पीछे से धोखे से उसके शव का संस्कार करा दिया। इसकी खबर लगते ही एक बार फिर गैंगस्टर आनंद पाल समर्थक भड़क गए और दंगे शुरू हो गए। आनंद पाल के समर्थक एनकाउंटर की को फर्जी बता रहे थे और इसी फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आनंद पाल के अपराधों की बात की जाए तो आनंद पाल की दहशत लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा मामलों में वो वांछित आरोपी था, लेकिन फिर भी राजपूत समुदाय के लोग उसे अपना मसीहा मानते थे। चौबीस जून को मालसार में एक मकान में छिपे आनंद पाल को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। राजस्थान के रावणा राजपूत जाति का एक लड़के की बारात में घोड़ी चढ़ने को लेकर विवाद हो गया था। जिस दोस्त ने उसे पूरी जमात से लड़कर घोड़ी पर बैठाया उस व्यक्ति ने उसी दोस्त की हत्या कर दी। ये कहानी है 5 लाख के उस इनामी बदमाश की जिसे पकड़ने के लिए शहर के शहर किले में तब्दील कर दिए जाते थे। उसके हथियारों का सामना करने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस बार बार उसे पकड़ कर जेल में डालती और हर बार जेल की सलाखें उसके लिए कमजोर पड़ जाती थीं और वो फरार हो जाता था। ये कहानी है राजस्थान के कुख्यात रॉबिनहुड गैंगस्टर आनंद पाल की। आनंद पाल के जुर्म की दुनिया में जाने की कहानी तब शुरू होती है जब अपने गांव के दबंगों के डर से वो अपनी ही बारात में घोड़ी नहीं चढ़ पाया था। उस दिन आपसी समझाइश के बाद वो घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन उसका जहन हमेशा के लिए बदल गया था।
अब आनंद पाल राजनीति में आना चाहता था और उसने चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। पूर्व मंत्री हरजीरा बुरड़क के बेटे से सिर्फ 2 वोटों से पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वो अपराध की दुनिया में आया। आनंद पाल के परिजनों और समर्थकों का वसुंधरा सरकार के खिलाफ आक्रोश इस चरम पर था कि बीते विधानसभा चुनाव में आनंद पाल की बेटी योगिता पाल सिंह ने खुलकर बीजेपी सरकार का विरोध किया था और कई जनसभाओं में अपने पिता की मौत को एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या बताया था और सरकार पर आरोप लगाए थे। पापा के साथ जो हत्याकांड हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मेरे पापा के जो हत्या का प्रयास किया गया था बीकानेर जेल में उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम, और कोई भी नाजायज मांगे नहीं है हमारी। और क्या क्या मांगे आपकी? और हमारी ये मांगे कि मेरे फूफू साहब जिन पे झूठा मुकदमा लगा के उनको आज अंदर किया गया है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए और मेरे पापा का जो पोस्टमार्टम किया गया उसकी एम्स में बोर्ड बिठवा कर वापस करवाया जाए और जो हमारी मिलने जुलने वालों की जिनकी ज़मीनें जबरदस्ती कुर्क की गई है उनकी ज़मीनें उनको वापस लौटा दी जाए और हमारे बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ा गया किसी भी केस में किसी भी मुकदमे में उनको वापस रिहाई दी जाए और जो इस हत्याकांड के जो चश्मदीद गवाह है श्रवण सिंह जी उनको उनके परिवार को पूरी तरह से तुरंत प्रभाव से रिहाई दी जाए और वकील से सबसे मिलने की इजाज़त दी जाए। अपराध की दुनिया में कदम रखते ही आनंद पाल ने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वो लिकर किंग बनना चाहता था। उसी सनक में उसने डीडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि जीवन राम ही वो दोस्त था जिसने आनंद पाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। जीवन राम की हत्या के बाद वो एक के बाद एक अपराध करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आनंद पाल बेहद खूंखार था। आनंद पाल की दहशत लगातार बढ़ती जा रही थी। राजस्थान पुलिस लगातार आनंद पाल को ढूंढ रही थी और 24 जून को उन्हें पता चलता है कि राजस्थान के चुरू जिले के मौलासर गांव में आनंद पाल छुपा बैठा है, जिसके बाद पुलिस पूरा जाप्ता लेकर वहां पहुंचती है। 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आनंद पाल का खौफ इतना था कि उसके शव को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी आनंद पाल की मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। आनंद पाल के मरने के बाद लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा। उसके पैतृक गांव जिले नागौर में सरकार का विरोध होना शुरू हो गया। राजस्थान का राजपूत समुदाय आनंद पाल के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाकर विद्रोह पर उतर आया था। आनंद पाल को लेकर सरकार दुविधा में फंसी हुई थी क्योंकि आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद पूरे राजस्थान में जो माहौल बन गया था वो सरकार के गले की फांस बन चुका था। 3 हफ्ते के बाद भी सरकार को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था मामले को कैसे शांत किया जाए और आनंद पाल के शव का अंतिम संस्कार कैसे हो। इस बीच सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत लेने के लिए बुलाया और पीछे से पुलिस ने आनंद पाल का अंतिम संस्कार करवा दिया। परिवार ने सरकार पर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। इसके बाद भी काफी दिनों तक ये मामला गरमाया रहा लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया। माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार से राजपूत समुदाय बेहद गुस्से में था और वसुंधरा सरकार को इस वोट बैंक के छिटकने का बड़ा खतरा खड़ा हो गया था। तो कोई ना कोई न्यायालय कोई ना कोई कोर्ट पापा को अपराधी साबित करता, पापा का अपराध साबित करता। जब पापा को ये आरोप लगाया जाता है कि पापा जेल से फरार हुए थे तो उसके पीछे भी एक मुख्य कारण था कि पापा जेल में भी सुरक्षित नहीं थे। जब बीकानेर जेल में अवैध तरीके से हथियार पहुंचा दिए जाते हैं और सभी को बताया कि उसमें बलबीर कौशल की जो हत्या हुई थी उसमें ना ही तो कोई कार्रवाई उन मंत्रियों के खिलाफ की गई जो उस टाइम सत्ता में थे, ना ही कोई कार्रवाई उस समय के पुलिस प्रशासन के खिलाफ की। कार्रवाई तो दूर की बात है, उनको बर्खास्त भी नहीं किया तो वो कहां तक अन्याय था। और बलवीर कौशल की उसमें हत्या हुई ये पूरा देश जानता है क्योंकि खबर में आया था, हर जगह आया था। तो सभी वो एक प्रमाण है कि जो पापा अगर जातिवाद करते तो वो जाट जो कुछ थे वो अपने सीने पे गोली नहीं खाते पापा के। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के इनाम। आनंद पाल के एनकाउंटर में शामिल 99 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन। पुलिसकर्मियों को लाखों के इनाम देने का गहलोत सरकार का ऐलान। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर में आनंद पाल का हुआ था एनकाउंटर।
आलासर में श्रवण सिंह राजपूत के घर में छिपा था गैंगस्टर आनंद पाल सिंह। वसुंधरा राजे सरकार ने राजपूत नेताओं पर दर्ज की थी FIR। विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई थी। अशोक गहलोत सरकार के समय में पुलिस कर्मियों को दे दी गई थी क्लीन चिट। गहलोत सरकार ने 9 पुलिस कर्मियों को विशेष पदोन्नति देने का भी लिया था फैसला। DGP राजस्थान ML लाठर ने जारी किए थे आदेश। 17 पुलिस कर्मियों को 1-1 लाख का पुरस्कार। 13 पुलिस कर्मियों को 50-50 हजार रुपए का पुरस्कार। 34 पुलिस कर्मियों को 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार और 26 पुलिस कर्मियों को 51-51 सौ रुपए इनाम की हुई थी घोषणा। आनंद पाल को गोली मारने वाले स्पेशल कमांडो सोहन सिंह पदोन्नत। चूरू के तत्कालीन SP राहुल बारहट भी पदोन्नत। SOG में एडिशनल SP करण शर्मा भी किए गए पदोन्नत। एडिशनल SP विद्या प्रकाश चौधरी को भी प्रमोशन। DSP सुरवीर सिंह राठौर भी किए गए थे पदोन्नत। RSC के हेड कांस्टेबल कैलाश व चूरू पुलिस कांस्टेबल हरमपाल भी शामिल। आनंद पाल सिंह का नाम आतंक का पर्याय बन चुका था। 31 मई 1975 को राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू उपखंड के गांव सांवराद में निर्मल कंवर और हुकुम सिंह चौहान के घर जन्मे आनंद पाल सिंह की शादी 1992 में राजकुंवर के साथ हुई। उनकी बेटी योगिता कुंवर चौहान और चरणजीत कंवर चौहान। आनंद पाल राजनीति में करियर बनाना चाहता था मगर अपराध की राह पकड़ ली। हत्या, लूट, डकैती जैसी कई संगीन वारदातों को अंजाम देने के चलते वो जेल चला गया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से नागौर कोर्ट में पेशी पर लाए जाने के दौरान 3 सितंबर 2015 को चालानी गार्ड को नशीली मिठाई खिलाकर वो फरार हो गया था। 2.25 साल तक राजस्थान पुलिस आनंद पाल को पकड़ नहीं सकी थी। फरारी के दौरान आनंद पाल से पुलिस का सामना हुआ तो वो AK-47 से फायर करके भाग गया था, लेकिन 2017 में राजस्थान पुलिस ने मालासार गांव में उसका एनकाउंटर कर दिया। आनंद पाल की बेटी योगिता फिलहाल राजनीति में है और BJP के खिलाफ आज भी उसके मन में आक्रोश है। आनंद पाल गैंगस्टर तो था ही, साथ ही अपनी बिरादरी का रॉबिन हुड, जैसा कि उसके एनकाउंटर के बाद उपजे आक्रोश में देखा गया कि समाज के लोग उसे कितना मानते थे। KNews की खास पेशकश गैंगस्टर आनंद पाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया खबरों के देखते रहिए KNews इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।